हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और स्वागत है आपका टेक डिटो के एक और नए फ्रेश वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ टेक मिथ्स के बारे में जो कि हम लोग के दिमाग में सेट है, और वो मिथ्स एकदम की यानी कि गलत बात है जो कि हमारे दिमाग में सेट है बट अभी तक उस चीज़ को हम लोग निकाल नहीं पाए। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की और कौन कौन से वो मिथ्स है इस वीडियो में हम लोग सारे के सारे जानेंगे और सारे आपके दिमाग से कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो सबसे पहली जो मिथ्स आती है वो आती है कि रात भर अगर हम लोग मोबाइल को चार्ज करें तो क्या होती है, उसकी बैटरी परफॉर्मेंस यानी बैटरी बैकअप जो होती है कम हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी मिथ से, ऐसा कुछ भी नहीं होती है। आप अगर रात भर मोबाइल को चार्ज करते हो फिर भी आपकी बैटरी बैकअप जो है वो कम नहीं होती, वो जैसे कि तैसे बरकरार रहती है। क्योंकि आजकल का स्मार्टफोन का नाम ही इसलिए स्मार्ट दिया है ताकि वो हर चीज़ को अपने में से सही कर लेती है और अपने में से बहुत कुछ चीज़ों को वो एडजस्ट कर लेती है। यानी कि मान के चलिए आप रात भर मोबाइल को चार्ज देके हो, रात भर मोबाइल को चार्ज देने के बाद भी जब आपके चार्ज पूरा फुल हो जाती है उसके बाद क्या होती है, ऑटोमेटिक वो सॉकेट तो आपकी लगी रहती है, चार्जर प्लग आपके मोबाइल पर लगी रहती है बट वो अपने आप में चार्ज नहीं लेती है। आपने देखा होगा कि जो चार्ज लगाते टाइम जो हम लोग इंडिकेटर शो करती है बैटरी के अंदर जो चार्ज हुई आपकी मोबाइल, जब फुल चार्ज हो जाती है तो ऑटोमेटिक वो इंडिकेटर शो नहीं करती है, जिस मीन्स क्या हो रही है आपकी मोबाइल चार्ज नहीं हो रही है। पहले के मोबाइल में ये नहीं होती थी, पहले के मोबाइल में क्या होती थी, ज़्यादा चार्ज करने से बैटरी फूलने की प्रॉब्लम आती थी। अभी भी जो नोकिया वगैरह फ़ोन है जो कि कीपैड फ़ोन है उसमें आप अगर ज़्यादा ओवरनाइट चार्ज कर दोगे तो वो बैटरी वगैरह फूलने की बीमारी आती है, बट आजकल के जो स्मार्टफोन है जो भी एंड्रॉइड फोन है उस फोन में ये सारी चीज़ नहीं देखने को मिलेगी आपको। तो ये आपके दिमाग से हटा दीजिए कि अगर आप रात भर मोबाइल को चार्ज में लगा दिए हो तो आपके मोबाइल की बैटरी बैकअप कम हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होती। नेक्स्ट मिथ आती है हमारी बैटरी से रिलेटेड ही है कि अगर हम लोग बैटरी को 100% चार्ज करें तो बैकअप ज़्यादा देगी और अगर उसको कम चार्ज करें तो बैकअप कम देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होती है। आप अगर 100% चार्ज करो फिर भी बैटरी की बैकअप उतनी ही देगी जितनी देनी है, और अगर आप कम चार्ज करो तो उसमें भी बैटरी बैकअप उतनी ही। जरूरी नहीं है आपको कि बैटरी को जब भी आप चार्ज करो मोबाइल को हमेशा 100% हो उसके बाद ही अनप्लग करो, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। आप उसको आधा में भी अनप्लग कर सकते हो, 90% में भी अनप्लग कर सकते हो, जब आपकी जरूरत पड़े उस हिसाब से चार्ज कर लो। और एक बात इसी में आती है कि हम लोग मोबाइल को क्या होते हैं फ्रीक्वेंटली चार्ज नहीं करनी चाहिए। फ्रीक्वेंटली चार्ज मीन्स क्या होती है कि आपको मोबाइल को बार बार चार्ज नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ये दिमाग में हमारे मिथ सेट है बट ऐसा नहीं है। आप मोबाइल को बार बार चार्ज करो फिर भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ना ही आपकी बैटरी बैकअप से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। ये चीज़ बहुत किसी का मैंने सुना होगा, आपने भी सुना होगा, जो भी आप वीडियो देख रहे हो आप में से भी दिमाग में बहुत किसी के ये चल रहा होगा कि बार बार अगर हम लोग मोबाइल को चार्ज करें तो इससे क्या होती है मोबाइल की बैटरी बैकअप लो हो जाती है, बैटरी बैकअप कम हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होती है। आप मोबाइल को फ्रीक्वेंटली चार्ज करें उसमें कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मिथ की, और नेक्स्ट मिथ जो है वो है कि अगर मोबाइल को हम लोग एरोप्लेन मोड में डालने के बाद चार्ज करते हैं तो क्या होती है मोबाइल की चार्ज फास्ट होती है। ये सबसे बड़ी मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होती है। आप मोबाइल को एरोप्लेन मोड में चार्ज करने के बाद भी जितनी आपकी स्पीड देगी यानी कि जितनी स्पीड चार्ज होगी उतनी लगेगी, या तो आप विदाउट एरोप्लेन मोड में करने के बाद भी जितनी आपकी स्पीड है उतनी स्पीड से ही चार्ज होगी, ठीक है। एरोप्लेन मोड से करने के बाद ये नहीं होती कि अगर आपके आधा घंटा में चार्ज होती है तो वो चार्ज 15 मिनट में हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होती। एरोप्लेन मोड करने का मीन्स क्या होती है कि आपके मोबाइल पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी, यानी कि कोई भी कॉल्स वगैरह आपके मोबाइल पर नहीं आएगी। जिस इट मीन्स क्या करते हैं सबको उसको एरोप्लेन में डाल के चार्ज करते हैं, बस सिंपल सा ये फंडा है। इसका मतलब ये नहीं है कि एरोप्लेन मोड में चार्ज करने के बाद अगर हम उसको यूज़ करें यानी कि अगर एरोप्लेन मोड में चार्ज कर दे एरोप्लेन मोड में लगाकर तो क्या होती है बैटरी बैकअप ज़्यादा होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट अगर मिथ की बात करें तो ये भी बैटरी चार्जर से रिलेटेड ही है। हम लोग के दिमाग में हमेशा सेट होती है जब भी हम नया फ़ोन खरीदते हैं तो कोशिश करते हैं कि उस फोन में जो चार्जर दिया गया साथ में वही चार्जर उस मोबाइल को चार्ज करें, अदरवाइज दूसरा चार्जर को उस मोबाइल में हम लोग चार्ज कनेक्ट नहीं करते क्योंकि हमारे दिमाग में सेट कर रहती है कि जो चार्जर उसके साथ दिया गया है वही परफेक्ट चार्जर है, अगर दूसरा मोबाइल के चार्जर से चार्ज करें तो हमारी बैटरी बैकअप में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ये चीज़ भी दिमाग में सेट रखिए। आप अगर जो मोबाइल में चार्ज दिया है उसमें भी चार्ज कर सकते हैं या तो आप अदर चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो, बशर्ते शर्त यह होना चाहिए कि जो आउटपुट आपको मोबाइल के साथ जो चार्जर दिया गया उसमें मिल रही है सेम आउटपुट आपको अदर चार्जर में भी मिले। जो चार्ज आप अदर चार्जर यूज़ करना चाहते हो उसमें भी अगर आपको सेम आउटपुट मिलती है तो आप उसमें आराम से भी चार्ज कर सकते हैं। जितनी स्पीड आपकी मोबाइल से दी गई चार्जर के साथ चार्ज होगी सेम वैसे ही स्पीड आपकी अदर चार्जर से भी चार्ज होगी। ये भी आप दिमाग से हटा दीजिए कि दूसरे चार्जर से चार्ज करने से क्या होती है बैटरी बैकअप कम हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट मिथ इसमें आती है हमारी बैकग्राउंड ऐप्स को क्लोज करना। बार बार आप क्या करते हो मोबाइल को यूज़ करने के बाद बार बार बैकग्राउंड ऐप्स को क्लोज करते हैं, फिर उसको ऑन करते हैं, फिर बैकग्राउंड ऐप्स को क्लोज करते हैं, ये सारी चीज़ बार बार करते हैं क्यों, हमारे दिमाग में सेट रहती है अगर आप बैकग्राउंड ऐप्स को क्लोज कर दें तो मोबाइल की क्या होती है स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बैकग्राउंड ऐप्स को क्लोज करने के बाद भी आपके मोबाइल की स्पीड बढ़ती नहीं है। अगर आप बैकग्राउंड ऐप्स को मान लीजिए यूज़ करके जो जो आपने यूज़ किया सारे बैकग्राउंड ऐप को प्लीज क्लोज कर दिए, उसका जो जो बैकग्राउंड ऐप को आपने क्लोज किया वही आप ऐप को फिर से ओपन करो क्लोज करने के बाद देखिएगा ओपन होने में थोड़ी टाइम लेगी, ठीक है, 2-3 सेकंड डिले होगी। ये इसलिए होती है क्योंकि आपने बैकग्राउंड ऐप्स को ऑफ कर दिया। इससे ज़्यादा ऐसा नहीं होती है कि आपकी मोबाइल फास्ट हो जाएगी, या अगर बैकग्राउंड ऐप्स आपके चालू है बैकग्राउंड में तो आपकी बैटरी ज़्यादा खाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने बार बार बताया कि आजकल का फोन स्मार्ट हो चुकी है इसलिए इसका नाम स्मार्टफोन पड़ा है ताकि ये सारी चीज़ें वो खुद ब खुद मैनेज कर पाए, और आपके मोबाइल की फंडामेंटल भी ऐसा बनाया था ताकि ये सब चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट मिथ जो आती है वो भी बहुत ही
अजीब टाइप के मिथ्स है और ये सबके अभी तक दिमाग में सेट है। अभी तक मैं श्योर बता सकता हूँ कि अभी तक आप यही सोच रहे होंगे, अगर मैं जब तक बताऊंगा नहीं तब तक आपके दिमाग में यही चल रहा होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग देखते हैं नेटवर्क का बार, यानी कि नेटवर्क बार आपको शो होती है ऊपर में राइट कॉर्नर में चाहे लेफ्ट कॉर्नर में, जहीं भी आपको शो होती होगी, हर मोबाइल का अलग अलग फंडा है, आपको जो नेटवर्क बार शो हो रही होगी, आप देखते हो अगर नेटवर्क बार मेरा सारा नेटवर्क बार फुल है, इसका मतलब क्या होती है मेरी नेट स्पीड बहुत ज़्यादा है, और अगर नेटवर्क बार फुल नहीं है तो नेट स्पीड कम देगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये भी एक मिथ है। नेटवर्क बार डिपेंड करती है आपकी नेटवर्क के हिसाब की कि उस जगह पे आपको उतनी नेटवर्क, कितनी ज़्यादा नेटवर्क मिल रही है, यानी कि आपका नेटवर्क आप बोल सकते हो नेटवर्क बार के हिसाब से। अगर आपकी नेटवर्क फुल है तो आप जान सकते हो कि इसका मतलब इस चीज़ का नेटवर्क आसपास ही कहीं है, और अगर नेटवर्क बार फुल नहीं है इसका मतलब जान सकते हो कि इस चीज़ का नेटवर्क आसपास कहीं नहीं है। बस नेटवर्क बार सिर्फ यही शो करती है, उससे आपको नेट स्पीड को कोई रिलेटेड नहीं है, ठीक है, नेट स्पीड से रिलेशन नहीं है बिल्कुल भी उसका नेटवर्क बार का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मिथ्स की और। नेक्स्ट मिथ जो आती है वो मिथ्स आती है कि हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं तो क्या होती है वो हम लोग फ्री में यूज़ करते हैं। जी हाँ, ये हम लोग सब कुछ सोचते थे अभी तक कि व्हाट्सएप और फेसबुक जो हम लोग यूज़ करते हैं वो फ्री में यूज़ करते हैं, बट ऐसा नहीं है। हम लोग कोई भी चीज़ को यूज़ करते हैं तो फ्री में यूज़ नहीं कर रहे हैं। कोई भी सोशल मीडिया से कनेक्टेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो, वो चीज़ को हम लोग फ्री में यूज़ नहीं करते, उसके लिए कुछ ना कुछ हमें पे करना पड़ता है। और क्या हम पे करते हैं हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। उसके पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अभी तक आपने वीडियो देखा है तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनती है, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आपको क्या करनी है, फेसबुक और व्हाट्सएप क्या करती है, सिंपल सा आपका डाटा को लेती है। आप कोई भी चीज़ आप सर्च कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा अप्लाई करके देखिएगा। आप क्रोम में कोई भी प्रोडक्ट रिलेटेड सर्च कीजिए, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आप सर्च कीजिए, मान के चलिए मोबाइल सर्च किए वीवो S1 प्रो, वीवो S1 कुछ भी मोबाइल जो भी आपको मंगाना है वो आप सिंपल क्रोम में सर्च कीजिए। क्रोम में सर्च करने के बाद क्या कीजिए, आप सिंपल फेसबुक ओपन कीजिए, ठीक है। फेसबुक ओपन करने के बाद आपको दिखाई मिलेगी वही प्रोडक्ट जो आपने सर्च किया था, सेम प्रोडक्ट आपको फेसबुक पे भी ऐड में दिखाई मिलेगी। फेसबुक में आपको ऐड आएगी, उस ऐड में आपको वो प्रोडक्ट दिखाई मिलेगी। या तो यूट्यूब ओपन कीजिए, यूट्यूब में भी जो ऐड आएगी उस ऐड में दिखाई मिलेगी। यही सारे चीज़ कुछ है जो आप क्या करती है व्हाट्सएप फेसबुक आपके डाटा को लेती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी सारा उनके पास रिकॉर्ड। और एक बात है, जब वो ऐड शो करती है तो उस ऐड के बदले उनको क्या होती है, इनकम मिलती है। आपको ऐड शो करा रही है, उस ऐड के हिसाब से क्या होती है, जो एड्स कंपनी है, एड्स कंपनी उन लोगों को पैसे पेड करती है। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए हमारे दिमाग में ये सेट नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग फ्री में यूज़ कर रहे हैं, भले हम उनको पैसा नहीं दे रहे बट वो हमसे ही पैसे ले रहे हैं, वो हमसे कोई ना कोई हिसाब से वो क्या कर रहे हैं पैसे को ले रहे हैं, बस एड्स शो करा कर, हमें एड्स शो करा रहे हैं, हम एड्स को देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं उससे पैसे इनकम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ होती है। साथ ही साथ आपके डाटा तो उनके पास सब है ही, चाहे सुरक्षित भी हो चाहे असुरक्षित हो, बट उनके आपके डाटा उनके पास सेफ रहती है। जब तक कोई जरूरत ना पड़े तब तक आपके डाटा को वो लीक नहीं करेगी, ना ही उसको किसी और को देगी। तो चलिए आज के वीडियो में कुछ इतना ही, मिलते हैं और एक फ्रेश एपिसोड में और एक मिथ्स के एपिसोड में। तो प्लीज़ चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके उसे ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, ये जो सब्सक्राइबर रेशियो है, सब्सक्राइबर रेशियो का आप लोग प्लीज़ से प्लीज़ कम कर दीजिए। आप लोग से हाथ जोड़कर गुजारिश है, आप जो सब्सक्राइबर रेशियो नीचे देख पा रहे हैं ये क्या है, नॉट सब्सक्राइब जो है ये क्या है, जो मेरे वीडियो के रेगुलर देख रहे हैं बट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। आपका सब्सक्राइब का जरूरत भी है हमें, क्योंकि जिनका बहुत ग्रो चैनल ग्रो कर चुका है उनके लिए एक सब्सक्राइबर कुछ मायने नहीं रखती है, बट हम लोगों के लिए जो अभी छोटे यूट्यूबर है उनके लिए एक सब्सक्राइबर मायने रखती है। तो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह को ऑसम्स वीडियोस देखने के लिए चैनल पे बने रहिए। और मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करता रहूँगा और वीडियोज़ लाता रहूँगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।